अब मैं हूँ बनारस में और यहाँ से बस दो दिन का काम है, फिर मैं बोकारो चले जाऊँगी और फिर मुझे दिल्ली ही आना है। फिर मैं आऊँगी शादी के बाद, भैया का शादी के बाद मैं दिल्ली आऊँगी। अब अभी नहीं, अब सीधे बोकारो जाना है, बहुत वीडियोस बनाना है। मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग स्टार्ट किया जाए, अब क्रंच को थोड़ा कम किया जाए। तो मैं हमेशा कल पे डालती थी, कर डालूँगी, कल कभी नहीं आता है इसलिए। तो अभी ना मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि ना देखो मैं ना परमानेंट स्ट्रेट करवाई हूँ अपने। परमानेंट तो कुछ भी नहीं होता है भाई, कुछ भी नहीं होता है, मतलब वही एक साल के लिए ये स्ट्रेट करवाई हूँ। तो उसी का कुछ प्रोडक्ट वगैरह लेने के लिए जा रही हूँ और अपने लिए फेस वॉश लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मामा अर्थ का है, मेरे को पिंपल बहुत ज़्यादा होता है। और लोग मुझे घूर रहे, तो चलो मैं ना आपको बनारस का मार्केट दिखाती हूँ, जिसका नाम है, क्या नाम है दीदी, मैदागिन। चलिए गाइस, ये रहा टोटो, आप लोगों ने तो कभी देखा नहीं होगा, मजाक कर रही थी। और ये रही यार, इतना क्या ही शर्माते हैं, बिहार वाले शर्माते नहीं है, ठीक है, यूपी बिहार सब एक ही है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे बनारस की एक बात बहुत अच्छी लगती है, मैं दिल्ली में थी ना तो सीरियसली बता रही हूँ, वहाँ पे ना मंदिर बहुत ही कम थी, मतलब मंदिर देखने को ही नहीं मिला। बट बनारस में ऐसा है ना कि आपको ना हर 5 मिनट में एक ना एक भगवान की मूर्ति मंदिर दिख ही जाएगी, और ये बनारस की सबसे अच्छी बात है। भले ही यहाँ की रोड उतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, बट कोई बात नहीं, योगी सरकार। पता चला ऐसे किया को फोन में लेकर के भाग जा रहा है। ये है बनारस का बहुत अच्छा खासा रोड, ये देखो यहाँ से रोड सही हो जाता है। गाइस मेरा मेन मोटिव ये भी है ना कि मैं जिसमें लस्सी पीती हूँ ना, जो कि मैं एक बार क्रंच की थी, वो भी मुझे लेना है यहाँ, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। पहले अपना सामान ले ले यार, उधर ही पीछे ही था दुकान। फिर जल्दी मिल जाता है, दिल्ली वगैरह, रांची, यहाँ बनारस में कहाँ कहाँ, बनारस में सब जगह घूमी, कहाँ कहाँ, मतलब नेम पता नहीं मेरे को, मामर बहुत दाल मंडी में मिल जाएगा, तो कहीं नहीं मिल रहा है, मैं सब जगह घूम चुकी हूँ, नहीं मिल रहा। कन्वर्सेशन विद अ स्ट्रेंजर, पूरा मार्केट घूम ली और मेरे को फेस वॉश नहीं मिला, ना कि शैम्पू मिला। तो हमारे इनके घर में एक्चुअली, मतलब जो ओनर है ना, भैया है हम लोगों के, तो उनको कॉल करके बुला ली कि भाई साहब हम लोग पता कितने दूर आ गए हैं। पहले हम लोग क्या था, मैदागिन मोत्री, तो हम लोगों को बोला गया वहाँ से लोहरा वीर चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आई तो पता चलता है यहाँ पे कोई मॉल ही नहीं है, ना कोई दुकान है जिसमें कि ऐसा मिल सके। तो अब वो आ रहे हैं, अब वही, अब पता नहीं क्या हुआ था। नहीं भाई, मैं 3 दिन से वो फेस वॉश यूज़ नहीं कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो स्किन है ना वो पूरा ऑयली हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। देखो पिंपल मैं दिखाती हूँ, इसलिए लेना बहुत ज़रूरी है। फाइनली मुझे मिल गया, और कैरी बैग का यार 20 रुपये ले रहा था कैरी बैग का, तो मैं मिडिल क्लास से हूँ। हाँ
मैं 3000 अपने बालों पे खर्च कर सकती हूँ बट 20 रुपये अपने कैरी बैग पे खर्च नहीं कर सकती। सॉरी, मैं इसको जब हाथ में लेके जा सकती हूँ तो 20 रुपये क्यों ही खर्च करूँ। अब यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है घर का। शिट, चलो फाइनली मिल गया। ये रहा फेस वॉश, ये रहा शैम्पू और ये रहा कंडीशनर। बिगड़ जाके नहाना है भाई, इसकी वजह से मैं नहा नहीं रही थी, कल भी नहीं नहाई थी और आज भी अभी तक नहीं नहाई। उधर ही था ना। ये 20 रुपये का है। मेरे को वो कप चाहिए बस, मेरे को दे दो ना, 20 रुपये का जितना होगा दे दो। टूटा टूटा मत देना, वो टूटने ही वाला है इसे।